सभी राजनीतिक दल चुनाव के समय 2% 5% आरक्षण बांटते थे, चुनाव जीतते थे। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 50% से अब आगे किसी को कोई आरक्षण बढ़ाने का हक नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में अब 50% पर कैप लग गया है, उसके आगे कोई सरकार जा नहीं सकती, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब किसी को भी आगे बढ़ना है तो उसमें से कोई न कोई बेईमानी करनी पड़ती है। लालू जी, नीतीश जी, सोनिया जी और भी कुछ राजनीतिक दल वो क्या करने जा रहे हैं आपको मालूम है? मैं दलितों को पूछता हूं, मैं महादलितों को कहता हूं, मैं पिछड़ों को कहता हूं, अति पिछड़ों को कहता हूं, एक पाप की योजना बना रहे ये लोग, पाप की योजना। आपका आरक्षण में से 5% छीनने का षड्यंत्र ये सारे लोग कर रहे हैं। मैं चेतावनी देता हूं, 5% आरक्षण दलितों में से, 5% महादलितों में से, 5% पिछड़ों में से, 5% अति पिछड़ों में से, उनमें से निकाल करके संप्रदाय के आधार पर दूसरे संप्रदाय को देने का इनका षड्यंत्र चल रहा है। मत इथल्या त्यांच्या श्रीमंत लोकांच्या मुलांना आरक्षण कशासाठी पाहिजे? तिथे जे आर्थिकदृष्ट्या मागासलेले असतील त्यांना आरक्षण द्या। प्रत्येक समाजातला जो आर्थिकदृष्ट्या मागासलेला असेल त्याला आरक्षण मिळू देत, तो वरती आला पाहिजे। अन्यथा या महाराष्ट्रामध्ये आणि या देशामध्ये प्रत्येक जण आपापल्या वेगवेगळ्या जातीप्रमाणेच बघत राहणार एकमेकांकडे आणि दुश्मनी वाढत जाणार। तू कुठच्या जातीचा, तू कुठच्या जातीचा, तू कुठच्या जातीचा? एकदा आर्थिक दृष्ट्या जर मागास हा जर समजा निकष आपण ठरवला, ही वाट लावली त्या व्हीपी सिंगने। या देशात 89 साली त्या नतद्रष्ट माणसाने गेला तो आता त्याने हे विष कालवलं, अख्खं विष त्याने कालवलं। तोपर्यंत काही नव्हता या देशात, काही या विषय नव्हता। पण हे असा अशा जर गोष्टी व्हायला लागल्या की एकाला एक गोष्ट द्यायची आणि दुसऱ्याला द्यायची नाही असं म्हटल्यानंतर विद्वेष हा पसरणारच आहे, राग हा येणारच आहे।